मुनव्वर फारूकी, जिन्होंने बेहद कम समय में देश में यंगस्टर के बीच अपना नाम बनाया है, कड़ी मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है, यहाँ तक कि इन्होंने बर्तन की दुकान में भी काम किया है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो तो आपने मुनव्वर फारूकी का नाम जरूर सुना होगा, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ ही साथ एक रैपर भी है। फिलहाल तो मुनव्वर ने बिग बॉस 17 में पार्टिसिपेट लिया है। तो आज की वीडियो में हम मुनव्वर फारूकी की लाइफ स्टाइल से लेकर बायोग्राफी तक बताएंगे। मुनव्वर की कहानी काफी इंस्पायरिंग है, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप मुनव्वर फारूकी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुनव्वर का रियल नेम मुनव्वर इकबाल फारूकी है और इनका जन्म 28 जनवरी 1992 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ और 2024 के हिसाब से 32 साल के हैं। दोस्तों, मुनव्वर जूनागढ़ गुजरात में रहते थे, लेकिन 2002 के गुजरात के दंगों के दौरान उनका घर तबाह हो गया और उनके पिता तंग आकर अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। और जब मुनव्वर 16 साल के थे तब उनकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। 2008 में मुनव्वर के पिता भी बीमार पड़ गए और बिस्तर पर पड़े रहे, इसलिए उन्हें 17 साल की उम्र में अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने 3 बहनों की शादी की भी जिम्मेदारी संभाली। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन में काम किया और शाम में कंप्यूटर कोर्स किया। दोस्तों, मुनव्वर बर्तन की दुकान में काम करते थे, लेकिन कंप्यूटर कोर्स करने के बाद उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम किया। मुनव्वर को शुरू से ही स्टैंड अप कॉमेडी में इंटरेस्ट था, जिस चलते वो ओपन माइक पर जाते थे और टाइम पास के लिए स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, जो कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आती थी। लेकिन इनकी कॉमेडी देखने के बाद जब लोग सेल्फी के लिए उनके पास आने लगे तो उनको एहसास हुआ कि स्टैंड अप कॉमेडी एक फुल टाइम प्रोफेशन बन सकता है। तो फिर इन्होंने इस फील्ड में ही अपने आप को बेहतर बनाया और स्टैंड अप कॉमेडी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया और 2019 में अपना पहला शो मुंबई के मलाड में किया। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने अपनी कॉमेडी वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू किया, जिन्हें बहुत ही जल्द बड़े पैमाने पर पॉपुलैरिटी हासिल हुई। फिर उन्होंने 2020 में ही अपना पहला टिकट शो मुंबई में किया। दोस्तों, जनवरी 2021 में जब ये अपना शो कर रहे थे तब इंदौर के शो के दौरान बीजेपी के एक एमएलए के बेटे ने उन पर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जोक मारने का आरोप लगाया, जिस वजह से 2 जनवरी 2021 को मुनव्वर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 37 दिन जेल में रहने के बाद उनको बेल मिली, जिसके बाद मुनव्वर और फेमस हो गए। और जेल से आने के बाद इन्होंने कई शो किए, लेकिन उनमें से इनके 16 शो रद्द भी हुए। इसके बाद अप्रैल 2021 में उन्होंने अपना दूसरा यूट्यूब चैनल मुनव्वर फारूकी 2.0 के नाम से बनाया, जिसमें वो वीडियो गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग और व्लॉग अपलोड करते हैं और साथ ही वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। और साल 2022 में रियलिटी शो लॉकअप में पार्टिसिपेट लिया, जहां उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस शो को जीता भी। दोस्तों, मुनव्वर एक अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन होने के साथ ही साथ एक अच्छे रैपर और लिरिकिस्ट भी है, जो गाने लिखते और गाते हैं। अगर आप मुनव्वर के फैन है तो आपने इनका गाना जरूर सुना होगा। फिलहाल मुनव्वर ने बिग बॉस 17 में पार्टिसिपेट लिया है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि मुनव्वर आपको कैसे लगते हैं और इनका कौन सा गाना आपका फेवरेट गाना है। चलिए मिलवाते हैं आपको मुनव्वर की फैमिली से। तो मुनव्वर के पिता एक ड्राइवर थे, जिनका साल 2020 में निधन हो गया और उनकी मां ने सुसाइड कर लिया था। दोस्तों, मुनव्वर की 3 बहनें भी हैं, जिनमें से एक का नाम शबाना है। बात करें इनके रिलेशनशिप की तो दोस्तों, रियलिटी शो लॉकअप में पार्टिसिपेट लेने के बाद एक एपिसोड में मुनव्वर फारूकी ने खुलासा किया था कि उनकी शादी हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे 1 साल से भी ज्यादा समय से अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह रहे हैं। और लॉकअप जीतने के बाद उन्होंने रिवील किया कि उनकी गर्लफ्रेंड है, जिनका नाम नाजिला शिताशी है, जो एक मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। अब बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुनव्वर डोंगरी मुंबई में रहते हैं, जैसा कि उन्होंने कई बार बताया भी है। वहीं बात करें मुनव्वर फारूकी के कार एंड बाइक कलेक्शन के बारे में, तो इनके कार कलेक्शन में पहली कार है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए, और दूसरी कार इनके पास है एमजी हेक्टर, जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। बात करें इनके बाइक की तो दोस्तों, इनके पास केटीएम आरसी 200 है, जिसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए, और इनके पास बाइक जावा 42 भी है, जिसकी कीमत है लगभग 2 लाख रुपए। अब बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के इनकम के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुनव्वर एक स्टैंड अप शो से 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं और ज्यादातर इनकी इनकम यूट्यूब से होती है और यूट्यूब से ये हर महीने 6 से 7 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। इसके अलावा मुनव्वर ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाते हैं और मुनव्वर की फेस वैल्यू काफी अच्छी है, जिस वजह से मुनव्वर ब्रांड से मोटा पैसा चार्ज करते हैं। और फिलहाल मुनव्वर बिग बॉस के हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट में से एक है। रिपोर्ट की माने तो मुनव्वर एक हफ्ते के लिए लगभग 7 से 8 लाख रुपए ले रहे हैं। वहीं बात करें मुनव्वर की नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों, इनका टोटल नेटवर्थ है लगभग 8 करोड़ रुपए। तो ये थे मुनव्वर की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी कमेंट करके जरूर बताना बिग बॉस 17 में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।